dear students of class 10. Today's topic is linear equation in two variables. And today's question on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, and whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. Question at 5x minus 4y plus 8 equals 0, 7x minus 6y plus 9 equals 0. Second question at 9x plus 3y plus 12 equals 0, 18x plus 6y plus 24 equals 0, or third at 6x minus 3y plus 10 equals 0, 2x minus y plus 9 equals 0. तो क्वेश्चन को फिर से एक बार हम लोग समझते हैं. कंपेयर करना है a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, और कंपेयर करके हम लोग को फाइंड करना है कि लाइन जो है वह इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा, कोइंसिडेंट करेगा. हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1, लेट द गिवन एक्सप्रेशन (5x minus 4y plus 8 equals 0) and 7x minus 6y plus 9 equals 0. General form of in two variables are general form जो होता है वो होता है आपका a1x plus b1y plus c1 equals 0 और a2x plus b2y प्लस सी टू इक्वल 0 है आपका जनरल फॉर्म है. और इसी से a1 a2 b1 b2 c1 c2 हम लोग कंपेयर करेंगे. सॉरी कंपेयर a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2. a1 इक्वल आपका है 5, b1 इक्वल है आपका -4 और c1 इक्वल है आपका 8. सेम है a2 इक्वल है आपका 7, b2 इक्वल है आपका -6 और c2 इक्वल है आपका 9. सॉरी फाइन a1 by a2 इक्वल हो गया आपका 5 by 7, b1 by b2 इक्वल आपका हो गया -4 by -6, मीन्स हो गया आपका 2 by 3, और c1 by c2 हो गया आपका 8 by 9. दस a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. तो अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होता है तो लाइन जो होता है वह इंटरसेक्ट करता है एट ए पॉइंट एंड द लाइन विल intersect at the point. इस लाइन जो है पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. एक बार हम लोग फिर से देखते हैं. क्वेश्चन है
on comparing the ratio A1A2, B1B2, C1C2, and whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. इन तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, और इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या आपको कोइंसिडेंट करेगा. तो हम लोग क्वेश्चन के लिए लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी 5x-4y+8=0 एंड 7x-6y+9=0. द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर, जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है आपका a1x+b1y+c1=0 एंड a2x+b2y+c2=0. अब हम लोग कंपेयर करेंगे a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2. तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं a1 इक्वल है 5, b1 इक्वल है आपका -4 और c1 इक्वल है आपका 8. इन सेकेंड इक्वेशन से इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ले सकते हैं और इसको सेकेंड इक्वेशन कर सकते हैं. सेकेंड इक्वेशन से आपका a3=7 है, b2=-6 और c2=9. अब हम लोग a1 by a2 का मान निकालते हैं तो 5/7 हो गया, b1 by b2 का मान निकालते हैं तो -4/-6, -, कैंसिल हो गया और वो हो गया आपका 2/3 और c1/c2 हो गया आपका 8/9. तो यहाँ आपका 5/7 है, यहाँ पर 2/3 है और यहाँ आपका 8/9 है. मीन्स a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, इज नॉट इक्वल टू c1 by c2. एंस हम लोग कर सकते हैं द लाइन विल बी इंटरसेक्टेड ए पॉइंट. एक पॉइंट पर लाइन जो है वह क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा. और हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ऐसे लिखते हैं, लेट द गिवन लीनियर इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर 9x+3y+12=0 इक्वेशन नंबर 1, 18x+6y+24=0 इक्वेशन 2, 1x+b1y+c1=0 और a2x+b2y+c2=0. कंपेयरिंग a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, यस a1 इक्वल आपको दिया हुआ है 9, b1 इक्वल आपका है 3, c1 इक्वल है आपका 12, a2 इक्वल है आपका 18, b2 इक्वल है आपका 6 और c2 इक्वल है आपका 24. अब हम फाइंड करते हैं a1 by a2 इक्वल हो गया
नाइन बाई 18 मीन्स 1 बाई 2 हो गया, बी 1 बाई बी 2 इक्वल 3 बाई 6 इक्वल हो गया 1 बाई 2 एंड सी 1 बाई सी 2 12 बाई 24 इक्वल हो गया 1 बाई 2। दस ए वन बाई ए टू इक्वल बी वन बाई बी टू इक्वल सी वन बाई सी टू हेंस हेंस द गिवन इक्वेशन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल लाइन जो है एक दूसरे को क्या करेगा कॉन्सिडेंट करेगा और क्यों करेगा इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा 9x है प्लस 3y है प्लस 12 इक्वल 0 है इक्वेशन नंबर 1 और सेकेंड आपका इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0 और यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 9x प्लस बचेगा 3y और प्लस बचेगा 12 इक्वल 0 और इधर हम लोग दो से भाग कर देंगे तो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल क्या हो गया 0 एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो बोथ इक्वेशंस आर सेम सो बोथ लाइंस आर कॉन्सिडेंट टू ईच अदर। नाउ ये थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 in the form of given question in two variables first one x plus given y plus given equal 0 a 2x plus b 2y plus c 2 equal 0 now we comparing a 1 by a 2 b 1 by b 2 and c 1 by c 2 a1 equal आपका 6 दिया हुआ है, b1 equal आपका -3 है, तो
सीओन इक्वल आपका 10 है, ए टू इक्वल आपका 2 है, बी टू इक्वल आपका 1 है और सी टू इक्वल आपका 9 है। आपका हो गया 6/2 माइनस आपका 3/1 हो गया, b1/b2 इक्वल -3/-1 3/1 हो गया और c1/c2 आपका 10/9 हो गया। a1/a2 इक्वल हो गया आपका b1/b2 और नॉट इक्वल हो गया c1/c2। तो हमको लीनियर इक्वेशन है, अब इसके हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लाइन दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सॉल्यूशन को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। आपका गिवन इक्वेशन जो है तो 6x-3y+10=0 है इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 आपका है 2x-y+9=0 इक्वेशन नंबर आपका 2 है। जनरल फॉर्म जो होता है हम लोग का इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का a1x+b1y+c1=0 और a2x+b2y+c2=0, यहीं से हम लोग लेते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, और जो हम लोग को दिया हुआ रहता है उसमें हम लोग दोनों को कंपेयर करके लिखते हैं। तो यहाँ पर a1 x का कोफिशियंट जो है a1 है और यहाँ पर x का कोफिशियंट जो है 6 है, तो a1 इक्वल हम लोग 6 लिखते हैं। यहाँ y का कोफिशियंट b1 है और यहाँ y का कोफिशियंट -3 है, तो b1 इक्वल -3 हम लोग लिए। और यहाँ पर c1 है कांस्टेंट टर्म और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वह 10 है, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिए। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन का सेकेंड इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं, यहाँ x का कोफिशियंट a2 है और यहाँ x का कोफिशियंट 2 है, तो a2 इक्वल हम लोग 2 ले लिए। b2 यहाँ कोफिशियंट है y का और यहाँ y का कोफिशियंट है -1, तो हम लोग -1 ले लिए। और यहाँ कांस्टेंट c2 है और यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग का 9 है, इसलिए c2 इक्वल हम लोग क्या ले लिए, 9 ले लिए। अब हम लोग a1/a2 b1/b2 और c1/c2 का मान निकालते हैं, तो a1/a2 6/2 इक्वल 3/1 हो गया, b1/b2 -3/-1 3/1 हो गया और c1/c2 इक्वल 10/9 हो गया। अब हम लोग इससे देखते हैं कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 का बट नॉट इक्वल है c1/c2 का। a1/a2 इक्वल है b1/b2 का बट नॉट इक्वल टू c1/c2, हम लोग देख सकते हैं। देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इक्वेशंस आर पैरेलल। तो जो इक्वेशन हम लोग को दिया गया है वह क्या है, पैरेलल लाइंस है। इस प्रकार से तीनों इक्वेशन में हम लोग देख लिए, एक में आपका इंटरसेक्ट करके पॉइंट मिला, एक में पैरेलल मिला और एक में क्या कर गया, कॉन्सिडेंट कर गया। थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट क्लास।